ये हमारा पॉइंटर और एरे का सेकेंड वीडियो है। पिछले वीडियो में जो हम लोग समझे थे वो क्या था कि अगर कोई बेस एड्रेस का पॉइंटर है तो इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ जीरो नंबर इंडेक्स। अगर उसी पॉइंटर में पॉइंटर प्लस वन कर देंगे तो ये एड्रेस हो जाएगा एड्रेस ऑफ वन नंबर इंडेक्स। अगर उसी पॉइंटर में प्लस टू कर देंगे तो यही हो जाएगा एड्रेस ऑफ सेकेंड नंबर इंडेक्स। ठीक, इसी को अब हम लोग वैल्यू के रूप में देखेंगे कि अगर हम लोग पॉइंट इसको डी रिफरेंस करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या वैल्यू आएगा इसमें, वैल्यू ऑफ जीरो नंबर इंडेक्स। अगर पॉइंटर प्लस वन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ वन नंबर इंडेक्स। अगर पॉइंटर ऑफ सेकेंड पॉइंटर प्लस टू का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये किसका वैल्यू देगा, सेकेंड नंबर इंडेक्स का। इसी पे डिपेंडेंट ये प्रोग्राम है जो कि आप लोग को आज इजी लगेगा। देखिए, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, एक आई इंटीजर है, ये लूपिंग के लिए लिया गया है। यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे है और हम लोग एरे के बेस एड्रेस को पॉइंटर में असाइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंट कराते हैं। ठीक, प्रिंट कराएंगे नॉर्मली, प्रिंट इंडेक्स आई का मतलब पहले भी प्रोग्राम सब में हम बता चुके, इंडेक्स परसेंट ऑफ डी का आर्ग्यूमेंट अगर आई है तो ये आई का वैल्यू बस प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड जो है हम लोग का वो है वैल्यू प्रिंट करेगा, तो वैल्यू यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है ये पॉइंटर प्लस आई है। पॉइंटर प्लस आई का मतलब क्या हो गया, पॉइंटर के बेस एड्रेस में हम लोग जो भी आई का वैल्यू होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसको डी रिफरेंस कर देंगे, मतलब उससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे जिसका भी ये पॉइंटर स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, पॉइंटर प्लस आई, और यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंटर प्लस आई है, इसका मतलब ये डायरेक्ट एड्रेस दे देगा। और इसको जो है हम लोग प्रिंट करा रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट ऑफ पी से। ठीक, देखिए, अब जब पहला बार हम लोग का लूप जब रन किया तो पहला आई इज इक्वल टू जीरो है इस इंडेक्स के, इस आर्ग्यूमेंट के लिए परसेंट आई का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर ये वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं देखते हम लोग, यहाँ से देखते हैं। पहला बार जब फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, आई इज इक्वल टू जीरो हो गया, और सेकेंड वाला आर्ग्यूमेंट जो है मेरा ये वाला आर्ग्यूमेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉइंटर प्लस जीरो, क्योंकि आई का वैल्यू अभी जीरो है। ठीक, इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर प्लस जीरो को सॉल्व करेंगे तो स्टार पॉइंटर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, पॉइंटर सिर्फ पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो चाहिए, यानी ये वैल्यू जो प्रिंट करेगा वन प्रिंट करेगा। अब इस पे आते हैं हम लोग, पॉइंटर प्लस आई है, बस पॉइंटर प्लस जीरो हो जाएगा क्योंकि आई का वैल्यू पहला आइट्रेशन में जीरो है, तो ये डायरेक्ट एड्रेस प्रिंट कर देगा फर्स्ट एरे जीरो का। ठीक, अब पॉइंटर वन पहले दूसरा बार जो आइट्रेशन होगा वन हुआ, आई का वैल्यू वन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर प्लस वन, पॉइंटर प्लस वन सेकेंड नंबर एलिमेंट को देख, सेकेंड नंबर एलिमेंट का वैल्यू निकालेगा, पॉइंटर प्लस वन जी वन नंबर इंडेक्स पे आ जाएगा। वन नंबर इंडेक्स का जो वैल्यू क्या है मेरा, दो हो जाएगा वन नंबर इंडेक्स का वैल्यू, और यहाँ पे क्या करेगा, उसी का एड्रेस देगा पॉइंटर प्लस वन, ये वाला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है। फिर से जब तीसरा आइट्रेशन होगा, आई इज इक्वल टू टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंटर प्लस टू, और यहाँ पे हो जाएगा का स्टार पॉइंटर प्लस टू, मतलब डी रिफरेंस करके थ्री आ जाएगा इसका वैल्यू, और ये इसी का थ्री का ये एड्रेस देगा। ठीक, यही वाली बात यहाँ हुई, ऐसे ऐसे करके यही वाला जो इसका आउटपुट ऐसा ही होगा, सबका एड्रेस लास्ट पहला के लिए जीरो आ गया, इंडेक्स के लिए जीरो, उसका वैल्यू वन है और उसका एड्रेस ये है, इस तरह से ये वाला हो जाएगा। सेम टाइप का एक प्रोग्राम हम लोग और देखेंगे। अभी तो हम लोग बेस एड्रेस का जो वैल्यू था वो हम लोग बेस एड्रेस को हम लोग पॉइंटर में असाइन कर रहे थे, अभी हम लोग कोई भी एलिमेंट को असाइन करेंगे पॉइंटर में। ठीक, देखिए, ये वाला सेम एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर। ठीक, अब यहाँ पे एक एरे है इंटीजर टाइप का जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, और हम लोग दो नंबर इंडेक्स को, यानी कि ये वाला एरे टू है ना, जीरो से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग पॉइंटर में असाइन कर दिया। अब इसके थ्रू हम लोग सब कुछ एक्सेस करेंगे। अब इसका जो एड्रेस है एम्परसेंट जो है ये इसमें असाइन कर दिया पॉइंटर में। अगर हम लोग पॉइंटर प्लस वन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, अगर हम लोग पॉइंटर प्लस वन करेंगे तो एड्रेस चला जाएगा इसका, चार का, और अगर हम लोग पॉइंटर माइनस वन करेंगे तो एड्रेस किसका चला जाएगा, इसका एड्रेस। अगर हम लोग पॉइंटर माइनस टू करेंगे तो एड्रेस किसका चला जाएगा, वन का एड्रेस चला जाएगा। और अगर हम लोग पॉइंटर प्लस टू करेंगे तो एड्रेस किसका चला जाएगा, फाइव का चला जाएगा। तो वही प्रोग्राम एकदम सिंपल सा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं, परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ डी, परसेंट ऑफ डी, तीनों प्रिंट में है। तो इसका मतलब इंटीजर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, पॉइंटर प्रिंट कहीं नहीं करा रहे हैं, एड्रेस नहीं प्रिंट करा रहे हैं, सब में स्टार दिया हुआ है। पॉइंटर, पॉइंटर का क्या वैल्यू है, पॉइंटर का वैल्यू तो हम लोग ऐसे ही बता देंगे, थ्री है। पॉइंटर प्लस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सब में वैल्यू हम लोग डी रिफरेंसिंग करा रहे हैं पॉइंटर को। और पॉइंटर माइनस वन का क्या वैल्यू हो जाएगा, पॉइंटर माइनस वन का वैल्यू हो जाएगा टू।
ठीक, इसका आउटपुट भी इसी टाइप का आएगा, ये वाला प्रिंट करके और बगल में 3, 4, 5 ऐसे करके इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर्स। हम लोग जैसे कि एरे के लिए भी क्या किए थे, बेस एड्रेस असाइन किए थे पॉइंटर में, उसके बाद पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू हम लोग एक एक करके एक्सेस कर रहे थे। हम लोग ऐसा काम भी कर सकते हैं कि एक पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि पॉइंटर जो हो वो पूरे एरे को एक बार दिखा दे। अभी तो बेस एड्रेस को दिखाता है और बेस एड्रेस से हम लोग एक एक करके पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। लेकिन अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग एक बार पूरे एरे को पॉइंट करने वाला पॉइंटर बना सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को बस पॉइंटर के बगल में एक एरे का डिजाइन बनाना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और कितना साइज के एरे का ये पॉइंटर है वो हम लोग को बता देना पड़ता है। तो वहाँ पे वैसा पॉइंटर बन जाता है जो कि 6 इंटीजर का स्पेस रखता है और उतना एड्रेस को रखने का ये जगह अपने पास रखता है। ठीक, तो देखिए हम लोग एक एरे, एरे 6 है, 6 एलिमेंट का, इसके लिए हम लोग पॉइंटर जनरेट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ इंटीजर टाइप का एरे है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाए, पॉइंटर PTR यूजर डिफाइंड नेम है, और साथ में हम लोग इसके 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट, 6 ये वाला पॉइंटर ऐसा है जो ये वाला पॉइंटर ऐसा है जो ये एरे है 6 इंट पॉइंटर का। ठीक, 6 इंट पॉइंटर का ये एरे है। अब देखिए हम लोग इसको एक्सेस, इसमें कैसे हम लोग असाइनमेंट करते हैं और कैसे एलिमेंट एक्सेस करते हैं वो देखेंगे। फॉर लूप लगा के करना पड़ता है सारा काम। फॉर लूप लगाए, एम्परसेंट आई को असाइन किए पॉइंटर आई में। अब ये भी एक एरे है और ये भी एक एरे है। अगर हम लोग को एरे में एरे का वैल्यू कॉपी करना होता था तो हम लोग तो ऐसा ही करते थे ना, ये एम्परसेंट नहीं रखते थे, बस ऐसे ही करते थे। देखिए आई का वैल्यू जब 0 था तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इसके 0 नंबर में, ये भी एक एरे और ये भी एक एरे है, लेकिन ये एड्रेस रख सकता। ठीक, इसका जो इसके वैल्यू को एड्रेस में कन्वर्ट करके हम इसमें असाइन किए, एम्परसेंट एरे 0 का एम्परसेंट क्या होगा, एड्रेस ऑफ एरे 0। ठीक है, एड्रेस को हम लोग इसमें असाइन किए, फिर सेकेंड एड्रेस को इसमें से चेक करके हम लोग 5 0 से लेके 5 तक के सारे एड्रेस को हम लोग इसमें असाइन कर दिए। अब सारा एड्रेस इस एरे में, एरे ऑफ पॉइंटर PTR में असाइन हो गया। ठीक, क्योंकि ये पॉइंटर ही लेगा हमेशा, इसीलिए हम लोग को इसको पॉइंटर ही डालना पड़ेगा इसमें, ये एड्रेस नहीं, ये एड्रेस ही हमेशा लेगा तो एम्परसेंट वाला वैल्यू ही इसमें जाएगा। अच्छा, अब इस पॉइंटर से, इस पॉइंटर ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर से हम लोग वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे अपने एरे का। ठीक, अब वो देखेंगे। हम लोग फिर से फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे जो है हम लोग दो ही चीज़, एक तो इंडेक्स तो नॉर्मल सी बात है, फॉर लूप का आई वैल्यू होगा, लेकिन पॉइंटर हम लोग डायरेक्ट जैसे नॉर्मल एरे के लिए हम लोग करते हैं ना, पॉइंटर एरे में लिखते एरे नेम इंटू आई, जो नंबर इंडेक्स आपको एक्सेस करना है तो लिखे वैसा ही लिखेंगे बस। पॉइंटर यहाँ पे हम लोग एरे का नाम PTR है और एरे में हम लोग को आई नंबर इंडेक्स एक्सेस करना है उसका वैल्यू को, लेकिन ये तो एड्रेस रखेगा ना आई का, तो हम लोग को तो उसका वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसको डी रेफरेंस करेंगे। तो डी रेफरेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार लगाएंगे। ठीक, तो उसी का आउटपुट यहाँ आपको दिखेगा ऐसा। तो चलिए, हमारा यहाँ पे ये वाला एरे और पॉइंटर्स खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर।